कई जने कहते हैं कि साहब 17 मसाले 56 मसाले कुछ भी नहीं, नमक का पानी है। मतलब पहला साल था तभी से नाम फेमस कुल्फी है। फेमस नाम चल रहा है। इतना भरोसा होना चाहिए खुद पे। 35 जमा 4 हुआ जी। कहते हैं कार्ड कार्ड के जो फ्लेवर आता है वो वाला फ्लेवर है, बहुत पॉपुलर शॉप है। तो आप ये वीडियो देख रहे होगे दिवाली पे, हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। कमेंट्स में आज लिखना हैप्पी दिवाली और वीडियो लाइक कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं उज्जैन का खाना और थोड़ा बहुत इंदौर का भी खाना, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आए हैं सावरिया सैंडविच पे, आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के बेक्ड समोसा, बहुत मशहूर है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ये आउटलेट खोला है, पहले बता रहे थे एक छोटा सा स्टॉल था, अभी देखो इतने पॉपुलर हैं उज्जैन में कि एक आउटलेट खोल लिया। बेक्ड समोसा की स्पेशलिटी है इनकी, आइए टेस्ट करते हैं। कौन सा वाला लगाए हैं हम लोग, कौन सा वाला खाएं? समोसा बना रहे हैं अभी। ठीक है ये, अच्छा ये एक बार थोड़ा सेटअप बताएंगे, क्योंकि हम लोग ना एक्चुअली दिल्ली से है, हम लोगों के लिए काफ़ी नई चीज़ है। पर हमारे हम तो इसको बोलते भी पैटी बोलते हैं इसको। अच्छा हम लोग यहाँ पर वैसे इसको समोसा बोलते हैं। हाँ मेरे को इंदौर में आया ना तो पता चला जो ऐसे त्रिकोण चीज़ जिसके अंदर आलू डालो, आलू का मसाला रहता है, आलू का मसाला उसका समोसा बोलता है, उसको समोसा बोलता है। समोसा बोलता है जो पैटी होती है उसमें पैटी होता है, उसमें पनीर और प्याज रहता है, प्याज रहता है। और ये गैस चलते रहती है ताकि, हाँ जैसे ये पैटी है। अच्छा ये पैटीज है, हम लोग इसको पैटी बोलते हैं। और ये गैस क्या गर्म रहता है पूरा? जी पूरा गर्म हो जाता है ऊपर तक वो सारे क्लब। अच्छा 3 फ्लोर बना रखे हमने इसके, तीनों कॉलम्स गर्म हो जाते हैं। तो इसको कितना टाइम हो गया पूरी ये सावरिया सैंडविच? हम लोगों को करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए मेरे को पता है। अभी रिसेंटली आपने ये खोला है? ये अभी खुला है। अच्छा कंग्रेचुलेशन सर। जब आप लोग देख लोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियोस आने में टाइम लगता है ना। कौन सा खाएंगे हम लोग? आपके लिए बनेगा अभी शाही समोसा। ठीक है स्टार्ट करते हैं। अच्छा मतलब आपका जो सिग्नेचर मेरे को बता रहे थे यहाँ के जो लोकल हमारी वीडियोस देखते हैं कि ये बेक समोसा बहुत फेमस है। जी जी बहुत ज़्यादा शाही समोसा लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब कैसे कैसे रहता है ये? मतलब पैटी के कटिंग होके चटनी पड़ती है, इसमें चटनी डालते हैं, उसके साथ में हम लोग केचप डालते हैं। अच्छा प्रकार में इंदौरी स्टाइल में हम लोग इसको सेव डालते हैं। अच्छा इंदौरी स्टाइल बोलते हैं, सेव डालते हैं नमकीन वगैरह ऊपर से। सेव सेव इंदौरी बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली इंदौर से हम लोगों ने स्टार्टअप किया है इसका। अच्छा उसके बाद वेजेस डलता है इसमें, हाँ कैप्सिकम टोमेटो अनियन। अच्छा कैबेज कंप्लीट होने के बाद इसमें ऊपर से मेयोनीज डलता है। तो पूरा शाही अंदाज में बनेगा, शाही तरीके से। क्या प्राइस है इसका? इसका 70 रुपीज़ प्राइस है। अच्छा आई थिंक दो लोगों के लिए रहेगा ये, 1% खा लेता है आराम से। अच्छा पूरा चीज पूरा लवरेज हो जाता है, पूरा लबा लब, पूरा लबा लब ऊपर से मेयोनीज डलता है इसके ऊपर। अच्छा ये नीचे क्रिस्पी रहेगा, ऊपर चीज ही रहेगा, बीच में सब्जियों का क्रंच आएगा, चुकंदर ग्रेट होके चुकंदर डिजाइनिंग के लिए। अच्छा तो कितने टाइप की वेराइटीज है यहाँ पे इसमें सैंडविचेस की? हमारे पास 150 वेराइटीज है। अच्छा और साथ में पिज़्ज़ा बर्गर सब रेडी, सब कुछ इसके साथ। एक कुछ कॉफ़ी कॉफी कुछ क्या कॉफ़ी हो जाएगी? हाँ कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे हम। हाँ कोल्ड कॉफ़ी बना देंगे। तो जो रेस्टोरेंट खोला तो उसमें कुछ कुछ नई चीज़ें भी डाली? नहीं अभी कुछ नया नहीं डाला। अच्छा जो पहले चल रहा था वही सारी चीज़ें चल रहा था, सारी चीज़ें वही है। हाँ टेस्ट करते। सबसे पहले ना हम लोगों ने इंदौर में खाया था, बीइंग अ दिल्ली वाला ना हम लोगों को तो ये अभी भी बोलने में पैटी बोलते हैं, बट जो मेरे को समझ आया ना कि ये जो चीज़ है ना ये आपको इंदौर और अब उज्जैन के बाहर कहीं नहीं मिलेगी। क्या लोडेड, मतलब देखो यार इनोवेशन देख रहे हो आप, एक मतलब आओ टेस्ट करते हैं। थोड़ी मेसी होगी ना खाने में काफ़ी मेसी है बट काफ़ी टेस्टी है, एकदम क्रीमी टेस्ट है, पैटी का क्रंच है, आलू का जो एकदम मसाला जो है ना हल्का मसाला और साथ में जो वो सेव का जो टच है ना, पूरा लोडेड चीज़ है। मतलब ऑल इन वन सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं आपको, इसको खाना थोड़ा सा मेसी है, कैमरा के सामने नहीं खाना, एकदम छोटी छोटी बाइट, सोफेस्टिकेटेड बाइट लाइक वेजी भाजी, बढ़िया टेस्ट है। यहाँ के सैंडविचेस भी बड़े फेमस है, पिज़्ज़ास वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। हम लोग यहाँ से चलेंगे किसी और जगह पे, आपको दिखाएंगे आप ठंडाई ठंडाई बढ़िया सी एकदम उज्जैन स्टाइल में ठंडाई दिखाते हैं आपको, संडे स्पेशल्स विद भजी भाजी इंदौर में स्टे। उज्जैन के बेक्ड समोसे देख के आपको इंदौर के समोसों की याद आ गई होगी जो आपको कुछ वीडियोस पहले दिखाई थी। तो अब आपको लेके चलते हैं सराफा बाज़ार में, आपको बढ़िया से खट्टे समोसे दिखाते हैं और बढ़िया सी खिचड़ी और बहुत एक आध और चीज़ दिखाते हैं और फिर आपको वापस लेके आते हैं उज्जैन की फेमस कुल्फी दिखाते हैं क्या चीज़ है भाई। ये सामने सराफा का एंट्रेंस है
और ये जगह है, क्या नाम है? समोसा कॉर्नर। समोसा कॉर्नर। यहाँ पे मेरे को ये व्यक्ति बता रहे कि यहाँ पे समोसे बहुत सही मिलते हैं। समोसे पहले बिना चटनी के ट्राई करेंगे हम लोग, ऐसा मैं बोला गया, क्योंकि थोड़ा अलग टच में है, खटास खटास थोड़ा तेज हम लेते लेते बात करते हैं। एक समोसा देना जरा, कितने का? हाँ 15। चटनी अलग से, अलग से, अलग से। इन्होंने बोला कि ऐसे ही खाएं पहले आपका। वाह। सो ये पूरा मतलब ऐसे थोड़ा खिली खिली खट्टी चटनी रहती है, मतलब अमचूर का स्वाद। वो जोधपुर में मिर्ची वड़े मिलते हैं ना, चटनी चाहिए। जोधपुर में लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब चटनी साथ में देते हो तो मानते हो। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। गुड टू नो। यस भैया, अपने आप में, अपने आप में ही खटास है उसमें प्रॉपर। वेरी नाइस। चटनी की खटास। 15 रुपये का प्राइस है। सराफे के जस्ट एंट्रेंस पे है, कॉर्नर शॉप है। अभी अंदर जाएंगे सराफे की गलियों में और खो जाएंगे। हाय, यहाँ पे शूट करना मतलब खतरनाक लेवल का। टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया था, बिना चटनी के ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ यार भैया, चटनी अभी थोड़ा टाइम के हिसाब से चालू करना पड़ेगा। हाँ, चटनी पहले अपने यहाँ बनती नहीं थी, आज से बन रहा था। हाँ, मैं लोगों को बता रहा था, ये अपना जोधपुर साइड में जाते हैं ना, बिना चटनी के ही खाते हैं लोग। हाँ, हाँ। मिर्ची बड़ा वगैरह ना, वहाँ पे चटनी नहीं देते। पहले चटनी बनती नहीं थी, और चटनी बनती नहीं है तो इनके की नहीं बनती, आम की बनती, अमचूर की बनती। अच्छा अच्छा लगा समोसे में वो खटास है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो भैया अभी 15-1 साल से टाइम के हिसाब से आजकल की जो नई जनरेशन है उनको लगती है चटनी। हाँ, उनको लगता है कि भाई चटनी मिसिंग है। और आज की अपने 50% जो कस्टमर जो ग्राहक है, हाँ, वो बिना चटनी के ही समोसे खाते हैं। अच्छा, अब वो मजा ही वो है, मतलब चटनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी पुराने लोग आते हैं ना, हाँ। जैसे ये आए, इन्होंने बोला बिना चटनी के लो, मजा ही। अलग से लेना। आपका क्या नाम है जी? इंद्र कुमार मित्तल। मित्तल जी, कितना टाइम हो गया इसको? 75 ईयर। अच्छा, कॉर्नर यहीं पे? यहीं पे एक शॉप भी है और एक सामने का दुकान है। अच्छा लगा आपसे मिलके, बढ़िया समोसे देते हैं। चालू करते हैं, क्या क्या है अपने पास ओम प्रकाश जी? साबुदाने की खिचड़ी मेन है अपने। मेन तो आई थिंक खिचड़ी की ही स्पेशलिटी है सारी। उसके बाद में अपन है ना, मतलब दही खिचड़ी भी बनाते हैं। अच्छा, और नया मतलब अपने, मेरे को ना किसी ने बताया, मैं मार्केट में पूछ रहा था, कहते हैं उनके ना अलग अलग चिप्स की वैरायटी भी है उनके पास। चिप्स चाट भी अपन बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, और उसको मतलब है ना एक निक नेम दे रखा है हमने, नखराली चिप्स। अच्छा, तो अलग अलग चीजें बनाते हैं। साबुदाना खिचड़ी एक लेते हैं। क्या क्या रहेगा एक बार बताइए। हाँ, मैं इसमें मतलब सब चीज़ जो भी इसमें डालूंगा ना, हाँ, वो सब एक एक चीज बताऊंगा मैं। तो ये फलाहारी होती है? ये पूर्ण रूप से फलियारी है मतलब। अच्छा, जैसे नवरात्रों के फलाहारी नहीं, फरियाली। फरियाली फलाहार मतलब हो गया कि फल का आहार। अच्छा, करना। हाँ, हाँ। फरियाली, फरियाली मतलब ये हमारी इंदौर की लैंग्वेज है कि फरियाली। हाँ, ये जो फरियाली मिक्सचर है, फरी फरी फरियाली हमारी ना जीप पे चढ़ा हुआ फलाहारी। हाँ, फलाहारी बोल सकते हैं अपन। हाँ, फलाहारी मतलब फलाहार, करेक्ट वर्ड होगा। आहार करना अपने। हाँ, इसलिए सही चीज सीखी आज। चलिए चालू करते हैं। ये अपन साबुदानी की खिचड़ी लेंगे इसमें। अच्छा, है ना, ये इसमें फरियाली मिक्सचर। अच्छा, ठीक है। ये इसको मीठा करने के लिए शक्कर डाल रहे हैं। बिना मीठा? ये काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, इलायची, सेंधा नमक का मिश्रण बना हुआ है कंप्लीट। अच्छा, है ना। इसमें नींबू डाला है अपन ने, जो इसका टेस्ट उभारेगा मतलब, है ना। थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश। हाँ, देसी अंदाज। हाँ। और क्या प्राइस रहता है इसका? ये 100 ग्राम है, ये 30 रुपए की एक प्लेट रहती है। अच्छा, चाहे तो 200 ग्राम भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, आधा किलो भी हो सकती है। अच्छा, जो जैसे फैमिली के हिसाब से जैसे लेना चाहे। हम तो टेस्टिंग पोर्शन नहीं ले रहे हैं, छोटा सा। हाँ, ये टेस्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा पोर्शन लगवाया हम लोगों ने अपने लिए टेस्ट करने के लिए। जैसे आपने बदले में देखा, बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई और बहुत प्यार से बनाते हैं भैया। लेट्स टेस्ट। बेसिकली साबुदाने की जो खिचड़ी हम लोग व्रत में खाते हैं ना नवरात्रों में, वो गया उसमें फलाहार वाले जो फरसान होते हैं वो डाले हुए, और एकदम बढ़िया मसाले के साथ दे रखा है। बहुत टेस्टी है। ये वाली जो जगह है, ये सराफा मार्केट के दूसरे कोने पे है। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ये पहला मतलब एंट्री पॉइंट भी हो सकता है और एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है, आपके आपकी नज़रिए के बात है। मेरे हाथ में जाएंगे वहाँ पे, मैं दे देता हूँ एक चिप्स। ये लो, थोड़ा मैंने भी हेल्प करा चिप्स चाट बनवाने में। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नखरेली चाट। नखराली चाट ये नखरे बहुत करती है। अच्छा, इसमें 3 प्लेट खिचड़ी बनती है हमारी, एक चिप्स बनाने में इतना समय लगता है। समय लगता है। हाँ। समय की वैल्यू होती है। हाँ दीदी, बनाता हूँ। ये शादी वाली चलेगी क्या आपको? है ना, ठीक है। ये जो चिप्स चाट अपन बना रहे हैं, ये भी मतलब चिप्स के अंदर मसाला वही डलेगा जो खिचड़ी में डला है। दूसरा कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि सब फरियाली आइटम है। पूरी दुकान पे ही सामान सब फरियाली है।
ये इसमें अपन ने सबसे पहले वही शक्कर डाली है, हाँ, बूरा डाला, जिससे मीठापन आए इसका, हाँ। है ना। ये काली मिर्ची का वही मसाला, दालचीनी, लौंग, दालचीनी, इलायची, सेंधा, हाँ। नमक मिश्रण है ना। कई जने कहते हैं कि साहब 17 मसाले, 56 मसाले, हाँ। कुछ भी नहीं, सिर्फ चार जो मसाले हैं इसके अंदर, वही मसाले मैं आपको बताऊंगा। वो कितना डालते हो वो उससे फर्क, हाँ, पता चलता। वो मेरे पिताजी, आज भी मेरे पिताजी ही बनाते हैं उस मसाले को, हाँ। मेरे को आता है पर मैं नहीं बनाता। और वो मसाला भी आप स्टार्ट में कितना डालते हो वो भी मैटर करता है, हाँ। कम ज्यादा हो जाता है वो, जब भी तो हम ग्लव्स भी नहीं पहनते हाथ में, हाँ, ताकि हमारे हाथ को छुए, चमड़ी को छुए तो हमको मालूम पड़े कि कितना मसाला जा रहा है। अब जैसे आपने एक बेस बना दिया आपने, हाँ, ये बेस बन गया। मतलब जैसे आपने एक सेफ है कोई इंडिया के अंदर, नाम मेरे को नहीं मालूम है, अच्छा, पर उन्होंने मतलब अपनी जीप का मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है, अच्छा। हम भी चाहें तो हाथ क्या करा सकते हैं, हाँ, हाँ। पर हम स्ट्रीट फूड पे इसलिए नहीं करवाते, हाँ। आज के नाश्ते की लास्ट जगह पे आए हुए हैं उज्जैन में, आपको दिखा रहे हैं फेमस कुल्फी। नहीं, ये फेमस तो है पर इनका नाम भी फेमस कुल्फी है। आ जाओ देखते हैं कौन सी कुल्फी खिलाएंगे आज। खाइए सर, केसर पिस्ता वाली खिलाइए, खिलाइए। ये इनमें क्या रहता है? इसमें मटके में पहले जमाते थे सर। अच्छा, अभी जम रही है कोई? अभी नहीं जम रही, अभी मशीन में जम रही है। अच्छा, अभी मशीन में जम रही है। एक बार देखेंगे फिर खाएंगे, मज़ा डबल होगा। 35 रुपए के है ना, 35 जमा एक, 35, 35 जमा दो, 70 है ना। कि किसी को 5 लेनी हो, 35 जमा 5, हाँ, 35 का पाड़ा लगा रखा है, हाँ, हाँ। तो पढ़े लिखे कम सर, हाँ, देख लेते खर्च पैसे बता देते, लोग आके बहुत, हाँ, देते होंगे ना ये, हाँ। तो इसका फेमस नाम कैसे पड़ा? फेमस कुल्फी खाने से, अच्छा, दिखाओ वो आपको बताते हैं डब्बे, हाँ, चलो एक बार आओ दिखाओ। अच्छा, अभी ये मशीन में बनाते हैं कुल्फी, मशीन में केमिकल और नमक का पानी है, नमक का पानी है, ये डब्बे डले हुए हैं, सील्ड होता है पूरा, ढूंढू क्या मैं अभी? हाँ ढूंढने ना, बहुत सारे बहुत सारा ढूंढने के लिए। अरे 300 डब्बे आते हैं? कितना देर लगता है बनने में? दो घंटे लगते हैं जमने में। अच्छा, 300 डब्बे एक बारी में बनते हैं, दो घंटे लगते हैं जमने में, उसमें कितने बाद में फिर उसमें तो कम बनते होंगे? नहीं, उसमें भी पहले 300 जमाते थे, 300 जमाते थे, पर ये ऑटोमेटिक पूरा काम है ना, हाँ। कितना समय हो गया इसको? इसको पहले कम से कम 40-45 साल का, 40-45। तो जब पहले मतलब पहला साल था तभी से नाम फेमस कुल्फी है, फेमस नाम चल, इतना भरोसा होना चाहिए खुद पे। बढ़िया, आपका क्या नाम है? अनोखीलाल पंवार, अनोखीलाल पंवार। अनोखीलाल जी, एक हमारी भी लगा दीजिए केसर पिस्ता वाली, हाँ जी, हम भी खाए फेमस, हाँ, वाली कुल्फी खाइए आप। क्या एड्रेस क्या पड़ता है इसका? ये छपरी चौक गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर के पास, ठीक है। वैसे तो बोलो कि फेमस कुल्फी ले चले, कोई भी ले चलेगा, हाँ। अच्छा, वो जो आपने दिखाया था उसको फिर निकाल देते हैं, हाँ, निकाल कर चाकू से काटते हैं, हाँ। फिर निकाल कर इसको पानी में डुबा कर, अच्छा, फिर ग्राहक को देते हैं, चार पीस, एक के चार पीस होता है, अच्छा। ये 35 जमा 4 हुआ जी, 140 रुपये का 4 पीस होगा, 140 के 4 पीस, एक पीस। धन्यवाद जी, सही का भी जुगाड़ू सेटअप है। आ जाओ, आइए दोस्तों, लेट्स ट्राई फेमस कुल्फी की कुल्फी। अहम नट्स के साथ लोडेड है और बहुत ही ऐसे, जैसे कहते हैं काट काट के जो फ्लेवर आता है वो वाला फ्लेवर है। बहुत पॉपुलर शॉप है, भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा लगी हुई है, और मेरे को यहाँ पे बता रहे हैं इनके 3-4 आउटलेट्स हैं और सारे के सारे फेमस है। ये वाला जोक तो मानना ही था। संडे स्पेशल्स की इस वीडियो में इतना ही, आपसे बात करेंगे किसी और जगह पर कुछ और खाते हुए। अलग अलग सीरीज आते रहती है, वेजी बाजी को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लो, और बात करेंगे पार्ट 2 में, आपको दिखाएंगे उज्जैन का लंच और बेहतरीन खाना।